Hi guys, this is Dinesh from Kanpur. Today we are going to discuss about the adaptation. So हम इस वीडियो में adaptation के बारे में डिस्कस करेंगे. As you know, मेरा बैक वीडियो आ चुका है, था पहले ही adaptation के ऊपर. तो जो स्टूडेंट या जो भी बंदी या बंदा मेरा बैक वीडियो adaptation का देख चुका है, उसको इस वीडियो को देखने में हेल्पफुल महसूस होगी. मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अडाप्टेशन के ऊपर मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दूंगा. मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं अडाप्टेशन के ऊपर, उसको हम रिवाइज करेंगे सिर्फ इमनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इमनाइजेशन. सो व्हाट इज अडाप्टेशन, अडाप्टेशन, ठीक है. तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी कुछ और कह रही है, अपन के डेफिनेशन कुछ और कह रही है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है. तो एनसीईआरटी के थ्रू अगर हम इसके डेफिनेशन देखते हैं तो एनी एट्रीब्यूट एक ऐसा शब्द है, एनी एट्रीब्यूट एक ऐसा शब्द है जो एनसीईआरटी मार रही है हमारे ऊपर, ठीक है, दे रही है कि भाई एनी एट्रीब्यूट शब्द को यूज करो आप. अगर हम एनी एट्रीब्यूट की जगह हम एनी चेंज बोलते हैं, ठीक है, एनी एट्रीब्यूट एनसीईआरटी बोल रही है, हम बोल रहे हैं एनी चेंज, ठीक है. तो दोनों का कुछ स्पेशली अंतर नहीं है, हालांकि दोनों का मतलब सेम होता है. तो हम बात करेंगे एडाप्टेशन के डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन, ठीक है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा कि एनी एट्रीब्यूट या एनी चेंज. मैंने बोला एनी एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, ठीक है, तीन लेवल पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है. एडाप्टेशन में तीन लेवल पे चेंजेस देखने को मिलते हैं. वो चेंजेस क्या हैं कि फिजियोलॉजिकल हो गया, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, बिहेवियरल हो गया, ठीक है. तीन चेंजेस अपन लोग को देखने को मिल जाते हैं. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एनी एट्रीब्यूट और एनी चेंजेस इन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, कुछ भी बोल दो सेम बात है, एडाप्टेशन, ठीक है. तो इस पूरी प्रोसेस को ही एडाप्टेशन कहते हैं. अपन लोग अगर बात करते हैं कि एडाप्टेशन में अगर हम इमेजिंग करते हैं, ठीक है, एडाप्टेशन में हम इमेजिंग करते हैं कि क्या क्या कंडीशनें हो सकती हैं, क्या क्या होता है इसमें, तो आपको हम बता देते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म है, तो इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है, मैंने क्या बोला, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है और जो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर होता है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है. तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और मोर होता है, इसका जो होता है तो लेस होता है, ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर लेस होता है, ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए कुछ अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं, ठीक है. मेरे कहने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, वेरी मोर है, ठीक है. तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मोर है और ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर लेस है, ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म अपने टेम्परेचर को मेंटेन करे ताकि वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, ताकि वो स्ट्रगल कर सके, ठीक है, यानी सर्वाइवल कर सके, स्ट्रगल नहीं सिर्फ सर्वाइवल, ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपना टेम्परेचर जो है तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के थ्रू कर लेता है. तो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के थ्रू करने के लिए उसको क्या कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है, क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं. तो ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी में दो चेंजेस लाने पड़ते हैं. जब वो दो चेंजेस ले आता है तब जाके वो इन्वायरमेंट के थ्रू स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है. तो इन्वायरमेंट में रहने के लिए ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है. स्ट्रगल के दौरान अपने बॉडी में दो चेंजेस लाते हैं. कौन चेंजेस हैं, पहला मॉर्फोलॉजिकल हो गया, सेकेंड हो गया बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोकेमिकल, ठीक है. तो पहला की अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, सेकेंड अगर बात करते हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, चेंजेस लाते हैं. अगर हम ये बोल दें कि मॉर्फोलॉजिकल रिएक्शन करता है और बायोलॉजिकल रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मैंने क्या बोला, मॉर्फोलॉजिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, दोनों केमिकल, ठीक है, दोनों ये रिएक्शन है होमोस्टेटिस कहलाती है, ठीक है, होमोस्टेटिस, ठीक है. तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है, तो ठीक है, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है तो ऑप्टिमम होता है, ठीक है, क्या होता है,
बायोकेमिकल का जो रेट होता है वो ऑप्टिमम होता है। और बायोकेमिकल रिएक्शन फिजियोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बोल दो, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हम बोलते हैं, मार्फोलॉजिकल को छोड़ देते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, मैंने क्या बोला, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन होमोस्टेटिस होती हैं, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उसका रेट ऑप्टिमम होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होता है, तो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को सर्वाइवल और फिटेस्ट करता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अपने बॉडी को फिटेस्ट करता है, तो दो चेंजेस लाते हैं अपने बॉडी में, दो चेंजेस मैंने आपको बता डाले, ठीक है। तो दो दो रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को मेंटेन करे, अगर वो अपने आप को मेंटेन करेगा तो उसको सर्वाइव के दौरान थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के दौरान थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल क्या है कि अपने बॉडी में दो रिएक्शन या दो चेंजेस लाना। चेंजेस लाने का मतलब मैंने क्या बताया था कि रिएक्शन, ठीक है, अगर वो दो रिएक्शन अपने बॉडी में करवाता है तो वो दो रिएक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन लाता है, दोनों होमोस्टेटिस होते हैं। तो जब ये दोनों चेंजेस आते हैं उसके ऊपर, दोनों रिएक्शन करवाते हैं अपनी बॉडी में, तो भैया वो जो ऑर्गेनिज्म होता है तो वो इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को मेंटेन कर पाता है, ठीक है। लेकिन ये दो रिएक्शन हो गए, ठीक है, मैंने बोला था कि फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन अपने बॉडी के अंदर होती है ताकि हम लोग इन्वायरमेंट के थ्रू सर्वाइव कर सकें, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर तो कुछ ज़्यादा हाई है, ठीक है, ज़्यादा हाई है, अपन का टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो अपन का टेम्परेचर लो है और उसका हाई है, तो हाई को मेंटेन करने के लिए अपने बॉडी में ऑर्गेनिज्म दो केमिकल का रिएक्शन करता है, मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल हो गया एंड बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, दोनों रिएक्शन करता है। लेकिन ये रिएक्शन करने के बाद कुछ और करता है, तब जाके वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को मेंटेन कर पाता, तो वो क्या है जिसकी वजह से, वो क्या चेंजेस हैं, मैंने क्या बोला, वो क्या चेंजेस हैं जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है तो वो इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को मेंटेन कर लेता है, तो क्या चेंजेस लाता है अपनी बॉडी में, तो अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिएक्शन फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है, ठीक है, मार्फोलॉजिकल चेंजेस लाता है, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस लाता है, ठीक है। मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है कि अपने 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 बॉडी को, ठीक है, अपने बॉडी को हमने देखा, हम अपने बॉडी के ऐसे आर्गन को उस टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे जिससे हमको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो हम अपने बॉडी के सारे आर्गन को, सारे अंग को व्यवस्थित करेंगे ताकि हम टेम्परेचर के थ्रू सर्वाइव कर सकें, ठीक है। मार्फोलॉजी फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो हम फिजियोलॉजिकल में अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए कई ऐसे स्टेप हैं जिनको हम करते रहते हैं, ठीक है। बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि हम अपनी हैबिट पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो अगर हम अपनी हैबिट को कंट्रोल करेंगे, हम अपनी हैबिट को चेंज करेंगे, तब जाके हम इन्वायरमेंट के थ्रू अपनी कंडीशन को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अडाप्टेशन क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बोला था कि अडाप्टेशन, व्हाट इज अडाप्टेशन, ठीक है, तो अपन का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अडाप्टेशन, अडाप्टेशन की जो डेफिनेशन है तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो एडाप्टेशन की जो डेफिनेशन है, तो एनी एट्रीब्यूट इन मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, इज नोन एज द अडाप्टेशन, ठीक है, एडाप्टेशन, तो एडाप्टेशन हो गया। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक इन्वायरमेंट हो गया, एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, दिस इज द इन्वायरमेंट, दिस इज द ऑर्गेनिज्म, तो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हाईली है, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है, ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर है, ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर लो है, तो ऑर्गेनिज्म अपने टेम्परेचर को इतना मेंटेन करे कि वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के थ्रू आ जाए, ठीक है, यानी उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों अच्छे चले, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपनी जनसंख्या अपने ही साइज की, अपने ही तरीके की प्रजाति को बढ़ाना, ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया। तो रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल मतलब कि वो जिंदा रहे, ठीक है, ये जो कंडीशनें हैं, तो इन दो कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में दो रिएक्शन करवाते हैं। वो कौन है दो रिएक्शन,
पहला हो गया फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो गया, सेकंड हो गया बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन दोनों क्या है, होमोस्टेटिस हैं। अगर हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन की, ठीक है, हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन की, तो बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है तो ऑप्टिमम होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है तो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के थ्रू रहने के लिए, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करने के दौरान ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में तीन चेंजेस लाता है, थ्री चेंजेस ऑफ बॉडी, ठीक है, इन द बॉडी। तो थ्री चेंजेस अपनी बॉडी में लाता है ऑर्गेनिज्म, वो चेंजेस क्या है मैं बता चुका हूँ, आप बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको दो बार उसी को रिपीट कर चुका हूँ। तो पहला चेंजेस क्या था, फिजियोलॉजिकल, सेकेंड है, सेकेंड की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल, थर्ड की बात करते हैं तो बिहेवियरल, ठीक है। इन तीन चेंजेसों की वजह से अडाप्टेशन, इन्हीं तीन चेंजेसों को ही अडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि चीज़ क्लियर हुई होंगी। सो मैं पहले ही बता चुका था कि मैं अडाप्टेशन के ऊपर वीडियो पहले ही शूट कर चुका हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल क्लासेस पढ़ाया हूँ, क्लासेस के दौरान पढ़ाया था, जिसमें मेरा पूरा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड होता है अपने पास, उसमें मैंने लिख लिख कर बिल्कुल डिटेल से फुल जानकारी दी, समझाया। तो आप मेरा बैक वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी कन्फर्म जानकारी आपको हो जाए, फिर इसके बाद मेरा ये वीडियो देखिए, ताकि चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इस लेक्चर को इसलिए शूट कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल चीज़ें आपकी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको रिवाइज की ज़रूरत है, तो आप वीडियो देखिए, आपकी चीज़ें रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि हम कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ स्पेशली समझाएंगे नहीं, हम सिर्फ इमेजिनाइजेशन करेंगे, यानी ब्रेन में जो हमने भर रखा है उसको इमेजिनाइजेशन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि चीज़ें रिप्लाई कर देती हैं, ठीक है, तो ब्रेन में चीज़ें रिप्लाई होने लगती है, और फिर चीज़ें हमारे कंसेप्ट और क्लियर होते चले जाते हैं। सो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू, दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।